अगर आप फिल्में देखने के शौकीन हैं तो आप जानते ही होंगे कि फिल्में सिर्फ दो टाइप की होती हैं, एक वो जिसमें दिमाग की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती, मज़े से थिएटर जाइए और दिमाग को घर पे छोड़ के चले जाइए, लेकिन दूसरी वो होती हैं जिसमें दिमाग को पूरी तरह निचोड़ लिया जाता है और कहानी इतनी शातिर निकलती है कि आप दिल से तालियां बजाने पर मजबूर हो जाते हैं और आपके दिमाग को रिचार्ज करने के तरीके ढूंढने लगते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा, वेलकम टू फिल्मी इंडियन। हाजिर हूं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर जिसमें बॉलीवुड की कुछ ऐसी अंडररेटेड थ्रिलर मूवीज़ के बारे में बताने वाली हूं जिनका नाम तो शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि काम के मामले में ये आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करेंगी। 2011 में रिलीज हुई फिल्म 404 एरर नॉट फाउंड उन खास फिल्मों में से है जिनको आपका दिल जीतने के लिए पैसों की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ अपनी पावरफुल कहानी के दम पर आपके होश उड़ा सकती है। फिल्म की कहानी एक मेडिकल कॉलेज के इर्द गिर्द लिखी गई है जिसमें स्टूडेंट्स रैगिंग को फोकस में डालते हुए एक थ्रिलर आपके सामने रखी गई है। एक स्टूडेंट है जो 404 रूम में शिफ्ट होता है, एक ऐसा कमरा जिसको भूतिया माना जाता है क्योंकि कुछ साल पहले एक लड़के ने उसमें सुसाइड किया था। इसके बाद फिल्म में सबसे बड़ी बहस छिड़ जाती है, क्या सच में भूत होते हैं या फिर ये सब कुछ हमारे दिमाग का खेल है, क्या हम सिर्फ वो देखते हैं जो दिमाग हमें दिखाना चाहता है या फिर इंसानों से अलग एक दूसरी दुनिया भी है जिससे हम सब बेखबर हैं। 2016 में रिलीज हुई फिल्म फोबिया एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, यानी एक ऐसी कहानी जो सीधा आपके दिमाग पे हमला करती है, क्या सच है क्या नकली है इसका जवाब ढूंढने में आपका पूरा दिमाग खर्च हो जाता है और फिर भी जवाब आपके हाथों से फिसल जाता है। फिल्म की कहानी महक नाम की एक आर्टिस्ट के अराउंड लिखी गई है जो एक खतरनाक इंसिडेंट के बाद बाहरी दुनिया से डरना शुरू कर देती है। 24 घंटे अपने घर में बिताना वो भी सबसे अलग, और हर टाइम दिमाग में सिर्फ एक ख्याल आता है कि पूरी दुनिया उसकी जान की दुश्मन है। जरा सोचिए, जब आपकी सबसे बड़ी लड़ाई खुद के दिमाग के साथ छिड़ जाए तो फिर जीतना लगभग असंभव हो जाता है। ऐसे में क्या महक अपने डर को हरा पाएगी या फिर वो खुद अपनी जान लेने के लिए मजबूर हो जाएगी, या फिर सच में कोई है जो उसकी जान लेना चाहता है। 2018 में रिलीज हुई फिल्म 3 स्टोरीज एक यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी लाइफ किसी और के साथ भी कनेक्टेड हो सकती है, मतलब जो फैसले हम अपने लिए करते हैं क्या उनका असर किसी और की जिंदगी पर भी पड़ता है। फिल्म की कहानी मुंबई की छोटी सी बिल्डिंग में रहने वाले कुछ खास लोगों की जिंदगी के ऊपर लिखी गई है। दो लवर्स हैं जो डिफरेंट रिलीजन की वजह से एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। एक वाइफ है जो डोमेस्टिक वायलेंस में फंसी हुई है और अपने पास्ट लवर को याद करती रहती है। तीसरी कहानी एक आंटी की है जो अपने छोटे से घर को बेचना चाहती हैं, लेकिन घर की कीमत इतनी ज्यादा है कि लोग बाहर से ही वापस लौट जाते हैं। और लास्ट में एक मिडिल एज्ड वुमन है जो लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। कुछ ऐसे छुपे हुए सीक्रेट्स हैं जो इन सबको आपस में जोड़ने का काम करते हैं और आपके दिमाग पर जोर से हमला कर देते हैं। 2012 में रिलीज हुई फिल्म तलाश एक सुपरनेचुरल थ्रिलर है, यानी एक ऐसा किस्सा जिसका डायरेक्ट कनेक्शन भूत प्रेत के साथ जुड़ा हुआ है। बचपन वाली वही कहानियां जिनको सुनने के बाद हम कमरे में अकेले सोने से डरने लगते थे। फिल्म की कहानी एक ऐसे रोड एक्सीडेंट पर बेस्ड है जिसमें खाली सड़क पर सिर्फ एक कार चलते हुए भी अपना रास्ता भटक जाती है और सीधे सी में जाके डूब जाती है। लोग मरते हैं और कुछ बच भी जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल, रोड पे आखिर ऐसा क्या था जिसने कार को रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। इसका पता लगाने के लिए एक पुलिस इंस्पेक्टर को स्पेशली बुलाया जाता है जो बचपन में अपने बेटे के गुजर जाने से थोड़ा सदमे में रहते हैं। एक कमाल की बात बताऊं, ये कहानी रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है जिसको खुद फिल्म की डायरेक्टर रीमा कागती ने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया था। अगर आप भी भूतिया किस्सों में इंटरेस्ट रखते हैं तो तलाश को मिस करने की गलती बिल्कुल मत करना। 2013 में रिलीज हुई फिल्म टेबल नंबर 21 एक खतरनाक थ्रिलर है जिसको देखने के बाद शायद आप फ्री ऑफर में मिलने वाली चीजों से दूर भागेंगे और शायद जिंदगी में छुट्टियां मनाने के लिए घर से दूर तो कभी नहीं जाएंगे। फिल्म की कहानी एक मैरिड कपल के इर्द गिर्द लिखी गई है जो लाइफ में फाइनेंशियली काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन एक दिन उनकी ऐसी लॉटरी लगती है जिसमें सीधा करोड़ों कमाने का मौका मिलता है। खेल की शर्त सिर्फ एक है, सच बोलोगे तो पैसा मिलेगा, झूठ बोलोगे तो मौत मिलेगी। और ये टेबल नंबर 21 का क्या कनेक्शन है जो किसी को भी जमीन से आसमान तक पहुंचा सकता है और आसमान में उड़ने वाले को नर्क तक फेंक सकता है, और ये मिस्टर खान आखिर है कौन जो हाथ धोकर इस कपल के पीछे पड़े हुए हैं। 2007 में रिलीज हुई फिल्म नो स्मोकिंग उन खास लोगों के लिए बनाई गई है जिनका लाइफ पार्टनर कोई इंसान नहीं बल्कि सिगरेट है। कुछ ऐसे महान लोग जो स्मोकिंग को आदत और मजबूरी बताकर अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डाल देते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे मिस्टीरियस आश्रम के ऊपर है जो लोगों की स्मोकिंग वाली आदत छुड़ाने की 100% गारंटी देते हैं, लेकिन जितना खतरनाक इसका नाम है प्रयोगशाला उससे कई गुना जानलेवा इनका काम है जिसमें इंसान के शरीर और उसके दिमाग के साथ खिलवाड़ किया जाता है। फिल्म कितनी ज्यादा स्पेशल है
इसका अंदाजा आप इससे ही लगा सकते हैं कि आज भी लोग इसकी एंडिंग को समझने में पूरी तरह चूक जाते हैं। क्या सच में कोई शौक इतना बड़ा होता है जिसमें जान का खतरा भी छोटा लगने लगता है, या फिर ये सब कुछ दिमाग का खेल है, शरीर तो बस बहाना है। 2007 में रिलीज हुई फिल्म मनोरमा 6 फीट अंडर एक स्पेशल फिल्म है जिसने इंडियन सिनेमा में थ्रिलर मूवीज के लेवल को काफी ऊंचा कर दिया था। फिल्म के डायरेक्टर भी काफी खास हैं, नवदीप सिंह, जो NH10 और लाल कप्तान जैसी धाकड़ फिल्में बनाने के लिए मशहूर हैं। फिल्म की कहानी एक मकड़ी के जाल की तरह बुनी गई है जिसमें फिल्म के लीड कैरेक्टर सत्यवीर के साथ आप भी पूरी तरह फंसने वाले हैं। सवाल की शुरुआत तो पति पत्नी के साथ होती है, लेकिन बाद में मर्डर मिस्ट्री सामने निकल के आती है जिसमें कातिल तो छुप जाते हैं लेकिन सत्यवीर बलि का बकरा बन जाते हैं। वैसे ये मनोरमा एक बुक का नाम है जिसको खुद सत्यवीर ने लिखा था, लेकिन जब ये बुक से बाहर निकलकर असलियत में उनकी लाइफ में एंट्री मारती है तो कहानी में ऐसा ट्विस्ट आता है जिसके सामने हॉलीवुड के बड़े बड़े सस्पेंस भी फेल हो जाएंगे। 2016 में रिलीज हुई फिल्म ट्रैप एक लो बजट फिल्म है जिसमें आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां या फिर ऊंची ऊंची बिल्डिंग देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन एक्टिंग का ऐसा टैलेंट देखने को मिलेगा जो आपको कंफ्यूज कर देगा कि ये सिर्फ एक फिल्म है या फिर असलियत में हम किसी की कहानी के अंदर फंस चुके हैं। फिल्म की कहानी शौर्य नाम के कैरेक्टर के इर्द गिर्द लिखी गई है जो मुंबई में अपने घर और प्यार के चक्कर में कुछ ऐसा फंस जाते हैं कि एक दिन घर से बाहर निकलना ही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। जरा सोचिए, आप एक कमरे के अंदर लॉक हो जाएं, ना तो आपके पास मोबाइल है, ना आपके पास खाने के लिए सामान है, और पीने के लिए पानी भी नहीं है, और आपकी मदद करने के लिए पड़ोसी भी नहीं है। अब जिंदगी धीरे धीरे आपके हाथों से फिसल रही है, तो आप लड़ेंगे या फिर मौत का इंतजार करेंगे। 2016 में रिलीज हुई फिल्म रमन राघव रियल लाइफ इंसिडेंट्स के ऊपर बेस्ड है जिसमें साइको रमन नाम के एक सीरियल किलर की कहानी को पर्दे पर उतारा गया है जिसने 1960s में मुंबई के लोगों का जीना हराम कर दिया था और लगभग 40-50 लोगों को सिर्फ अपने शौक के लिए मार डाला था। फिल्म में नवाजुद्दीन ने रमन का कैरेक्टर प्ले किया था जिसका दिल राघव नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर के ऊपर आ जाता है। नहीं, ये वो वाला प्यार नहीं है, ये उससे भी काफी ऊपर है जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान के वजूद को पूरा करने का काम करता है। इसमें शरीर नहीं दिमाग वाले प्यार के ऊपर जोर डाला गया है। अनुराग कश्यप की फिल्म इतनी बेहतरीन है कि आप अपने अंदर छुपे हुए रमन को तलाशने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जो कहीं ना कहीं हम सबके दिमाग में छुपा बैठा है और सिर्फ एक मौके की तलाश में है जो उसको खींचकर बाहर ला सके। 2013 में रिलीज हुई फिल्म अगली इस लिस्ट में टॉप पर आती है और उसका सबसे बड़ा रीजन है इसकी सिंप्लिसिटी। फिल्म की कहानी में कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स टाइप की चीज नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप इसका क्लाइमेक्स देखते हो तो पूरी तरह अंदर से हिल जाते हैं। फिल्म की कहानी एक 10 साल की बच्ची के मिसिंग केस के अराउंड लिखी गई है जिसको कोई किडनैप कर लेता है। शक करने के लिए लोग बहुत सारे हैं और लड़की को बचाने के लिए टाइम थोड़ा कम है। एक मामूली सी किडनैपिंग को इतने चालाक तरीके से स्क्रीन पर रखा गया है जिसमें पुलिस है, एक्टर्स है, डिवोर्स्ड पेरेंट्स हैं और फायदा उठाने वाले कुछ रिश्तेदार भी हैं जिनको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। इन सब के बीच फंसकर बच्ची के साथ जो होता है वो आपके रातों की नींद उड़ा सकता है। तो दोस्तों, ये थी वो 10 थ्रिलर फिल्में जिनको वो पहचान नहीं मिली जो ये डिजर्व करती हैं, और हम सब इनको देखने में कहीं थोड़ा सा चूक गए। लेकिन एक मजेदार बात है कि जब जागो तब सवेरा, तो भैया इस लिस्ट को पूरा देख लेना, यकीन मानो बॉलीवुड के लिए इज्जत अपने आप बढ़ जाएगी। वैसे आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपने इनमें से कितनी फिल्में देखी हैं। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।